जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं टैक्सी रिपोर्ट सर्वर को, जो ट्रैफिक रिपोर्ट सर्वर है उसको यूबंटू 18.04 के अंदर। तो मैंने कहा चले इस ट्यूटोरियल को, इस डेमो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी मसाइल का सामना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से। तो बिला तखीर चलते हैं, जिसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, आपको ये कमांड्स जो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। मैंने चूज़ करके जो ज़रूरी ज़रूरी कमांड्स हैं मैंने इनको रखा हुआ है। तो आप जो है ना, सिंपल कुछ भी नहीं करना। सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आपने क्या करना है, बस आप वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करें या आप सर्वर मशीन में इंस्टॉल करें, डेस्कटॉप पीसी में इंस्टॉल करें, जिसमें मर्जी इंस्टॉल करें। उसके बाद आप इसको पुटी के साथ कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद ये चंद एक कमांड्स आपके सामने हैं, आपने कमांड को इंटर करना है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि बग़ैर किसी ही प्रॉब्लम के ये टोटल इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो विंडोज ही हमारे सामने आ गई, और यही हमारा मवाद होगा इसको इंस्टॉल करने का, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो आप इंस्टॉल करते वक्त रखेंगे वही आपने यहाँ इंटर करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जी वेलकम टू यूबंटू 18.04, ये जो सर्वर का वर्जन है ये इसका आईपी है, और ये क्रमा बाकी ये इसका टोटल जाना है, डैशबोर्ड है, क्या यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह। तो चलें जी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिस मकसद के लिए हम सूडो, इसकी जो पहली कमांड है ओपनिंग कमांड, उसको आप टाइप करें स्पेस डैश आई, आप इंस्टॉलेशन कमांड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपने पासवर्ड इंटर करना है, और सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक एक आपने कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, फर्दर एक एक कमांड पुट करते जाएंगे और लास्ट पे जाके देखेंगे हमारे साथ क्या बनता है। कुछ भी नहीं करना जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत ही आसान चीज़ है, फ्री सर्वर है। और जी एक हमारी कमांड मुकम्मल हो चुकी है, सेम लाइक दूसरी कमांड हम उठा लेते हैं और इसको कॉपी और पेस्ट एंटर। तो बात कर रहे थे बिल्कुल आसान फ्री सर्वर है, और मैंने एक दो ग्रुप्स के अंदर देखा कि कुछ दोस्तों ने जो है ना इसके हवाले से क्वेश्चन किया, तो आगे से उन्होंने जो है ना इसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया ग्रुप्स के अंदर। तो बस उसी दिन मैंने प्लान तो कर लिया कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के लिए इसको आसान करेंगे। तो साथ जो है ना यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसको जो है ना मतलब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आगे जाना चाहते हैं, हम इस वहाँ यहाँ पे वाई का बटन प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा लेकिन हमें जो है ना वो कैसे इंस्टॉल करना है, इसका कोई आसान मेथड, तो किसी ने नहीं मेथड शेयर किया, सब ने कहा बहुत आसान है जी और आप इसको जो है ना गूगल सर्च कर लें। तो बड़ा जो है ना उस वक्त मुझे अच्छा लगा, अगर आप मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि उसमें से जो भी मेरे पास टाइम बचे मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। ये है जी इंस्टॉलेशन का मेथड, मेरे ख्याल में बहुत आसान है, और तो जो आसान आसान चीज़ें हैं मैंने इसमें, और भी बहुत सारे वे हैं, सिर्फ पासवर्ड इंटर करना है, यूज़र नेम हमारा एडमिन ही होगा, या जो हमने ये एंटर किया है यूज़र नेम हमारा यही रहेगा, वाई फ्रॉग, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ तक भी कोई परेशानी का सामना नहीं है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एंड तक भी कोई किसी परेशानी का सामना नहीं।
आज मैं इतना इसको आसान कर दूंगा कि बच्चा बच्चा इसको इंस्टॉल कर लेगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसके आगे यूजेज के हवाले से, ऐड डिवाइस के हवाले से इसके ऊपर मज़ीद वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी। लेकिन यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का पासवर्ड रखें, मैं अपना डेटाबेस का पासवर्ड रख चुका हूँ। इसका मतलब ये कि आपका डेटाबेस ठीक है, तो एक छोटी सी कमांड आपने एंटर करनी है, क्विट के नाम से आप इस डेटाबेस से बाहर निकल जाएंगे, और फिर आगे जाके आपने एक और कमांड है कि हमारा एसक्यूएल एक दफ़ा रीबूट हो जाए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, रीबूट हो जाएगा। उसके बाद ये एक टूल है जो ग्राफ को सपोर्ट करता है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। ये भी वही पूछ रहा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको यस कर देंगे, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और इंशाल्लाह ये भी इंस्टॉल हो जाएगा बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी मसाइल के। हम जी अब अपना मेन जो हमारा टॉपिक है कैक्टी, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। देखें आपके सामने किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, और लोग इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जी, बहुत सारे एरर आते हैं और वो बड़े मुश्किल से निकलते हैं और ट्रबल शूट नहीं होते, आते हैं इसमें कोई शक नहीं, डाउट नहीं, एरर नहीं आते, एरर आते हैं। जी यस, यहाँ पे एसक्यूएल का पासवर्ड 2 बार आपने एंटर करना है, और नेक्स्ट। कोशिश करें जो आपने ऑलरेडी पासवर्ड दिया है वही वाला पासवर्ड यहाँ पे रखें। अब हम अपनी एक एक सर्विस को, 3 सर्विस जो हमने इंस्टॉल की हैं जो सपोर्ट करती हैं टेक्टी को, उनको एक एक टाइम में रिस्टार्ट करना है। इसको इतना भी आसान बनाया जा सकता है कि आप इसकी एक ही कमांड बनाई जा सकती है कि वन टाइम एंटर करें और वेट करके बैठते रहें, और इंशाल्लाह ऑटोमेटिक जो है ना वो जैसे मिसाल बनी ना, हलवा पक के आपके सामने आ जाएगा, तो वो वाला भी पॉसिबल है। तो ये जी हमारी तमाम सर्विस इंस्टॉल हो चुकी हैं, अब सिर्फ हमने जो है ना अपना आईपी चेक करना है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे कमांड लिखें, और यहाँ पे ये हमारा आईपी शो हो जाएगा। कमांड आपने ये लिखनी है, आईपी है 04104 ले। फ्रेंड्स हमारा कैक्टी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है जो भी आपने रखा होगा, मैंने वॉइस ओवर रखा था, आप अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद जी ये आप इसमें डिवाइस ऐड करेंगे, और ये हमारा जी पेज है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो हमसे जुड़े रहने के लिए। और ये हमारा फेसबुक का पेज है, ये हमारा छोटा सा ब्लॉग है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल डेमो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मज़ीद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके साथ गपशप होगी किसी नेक्स्ट वीडियो किसी ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।